जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? दिवाली पर कर लीजिए ये चमत्कारी पाठ। आपके घर में तंत्र विद्या, अघोर, काली चंडी या कोई भी ऐसी प्रक्रिया अगर आपके ऊपर बिठाई गई होगी दिवाली पर, तो असर नहीं होगा आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का। ये चमत्कारी जो पाठ है ना, बहुत ही पावन है और बहुत ही पवित्र है। इस पाठ से माना जाता है कि हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, कलयुग के जागृत रूप की शक्ति है, कलयुग की प्रभावशाली शक्ति है। और कलयुग में प्रधान रूप के देवता जो है वो है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की पूजा करने से आपके घर में दुख और दरिद्रता का नाश होता है। संकट मोचन इन्हें कहा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। देखिए, दिवाली का जो समय होता है वह अदल और बदल का होता है। इस वक्त का जो समय है बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस वक्त का जो समय है तंत्र विद्या के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। कोई साधना सिद्धि और अगर बड़ी अमावस्या की अघोर काली रात, ये रात कईयों के लिए भयंकर भयंकर साबित होती है और कईयों के परिवार को जो है ना खराब कर देती है। जो व्यक्ति किसी भी परिवार के ऊपर तंत्र की प्रक्रिया बिठाते हैं, तंत्र की क्रिया करते हैं या कोई भी ऐसी बावन वीर या बावन भैरव या विद्या को हासिल करके या किसी भी प्रकार का तंत्र की कार्य करके किसी के परिवार का बेड़ा गर्क करने की सोचते हैं, ऐसे समय पर बजरंग बली आपकी रक्षा करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, क्या कार्य करना चाहिए ऐसा जिससे बजरंग बली आपके परिवार की रक्षा करें, तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की जो इस प्रकार की साधना का संकल्प ले लीजिए। आपको संकल्प कैसे, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो आपको थोड़ी लेट मिल रही है तो तब भी आप संकल्प ले लीजिए। अगर थोड़ी चीज पहले आपको मिल गई है तो आप जब भी आप वीडियो का 21 या 11 3 रात्रि का भी संकल्प आप ले सकते हो। अगर आप अभी, जैसे आपको पता है कि दीपावली जो है 31 तारीख को है और अमावस्या का जो समय है 31 और 1 दोनों समय पर अमावस्या लग रही है, तो इस वक्त आपको क्या कार्य करना चाहिए। ये जो पाठ है सुंदरकांड का पाठ, अब आप कहोगे कि हमें सुंदरकांड का पाठ तो पता है गुरुजी, लेकिन कहते हैं कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पर खड़े कई गुणवान। कुछ समय ऐसा होता है जो रहस्यमय होता है और पावरफुल होता है और एनर्जी से बहुत ज़्यादा भरपूर होता है। जैसे कि नवरात्रि का समय, जिस प्रकार के आपने देखा कि पितृ अमावस्या जो चल रही है या पितरों का मेले का समय होता है, गुप्त नवरात्रियों का समय होता है, इसी प्रकार से दीपावली का समय ऋतु परिवर्तन का समय होता है। ऐसे समय पर शक्तियां जो है बलशाली हो जाती हैं, दैत्य शक्ति भी और देव शक्तियां भी। तो आप अपने परिवार के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर घात लगाए बैठा हो या सोच के बैठा हो कि इस परिवार को इस दीपावली में मैं इसकी क्रिया कर दूंगा, तो हनुमान जी का ये चमत्कारी पाठ आपकी रक्षा करेगा, आपको बल प्रदान करेगा। क्योंकि अगर जिसके घर में ये पाठ चल रहा होगा, आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे, सुंदरकांड का आपको पुस्तक लेनी है और राम स्वरूप, राम दरबार का स्वरूप लेना है जिसमें हनुमान जी चरणों में नतम हो, और अब आपने क्या करना है,
थोड़े से अक्षर लेने हैं चावल के। एक मुट्ठी चावल आपने उससे स्वास्तिक बनाना है, उस पर सुपारी रखनी है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर जो है आपने कुछ नहीं है तो थोड़े से अक्षर डाल दीजिए बस, और वो आसन देना है दादाजी हनुमान जी को। अब आपको सुंदरकांड का जो पाठ है उसमें सबसे पहले किष्किंधा कांड का पाठ होता है। किष्किंधा कांड का पाठ अगर किसी कोई शत्रु है आपके प्रति घृणावृत विचार रखे बैठा है तो किष्किंधा कांड का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ, जो कि नाम ही सुंदर है जिसका। सुंदरकांड का जो पाठ है संपुट लगाकर करना है। 60 दोए होते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। संपुट लगाकर अगर आप काम करते हो ऊर्जा आपको प्रदान होगी, कृपा आपको प्रदान होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्रदान होगी और साथ में आपके परिवार की देवी देवताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, एक अखंड दीप का दान कीजिए। अखंड दीप लगाइए, दिवाली पर भी वैसे दीप का दान का बड़ा महत्व है, ठीक है। जो अखंड दीप लगाइए आप, खड़ी बाती का, देसी घी का, और एक दीप लगाइए अपने तेल का। तेल का दीप जब लगाना है आपने, उसके बीच में तेल का दीप अगर समाप्त हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तेल का दीपक जो है ना आपने जो लगाना है वो लेटा बाती का लगाना है। उस दौरान आप सुंदरकांड का प्रारंभ कीजिए। जब दीपावली की रात्रि होती है, दीपावली की अघोर काली रात्रि होती है, उस वक्त भी आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर दीजिए। जो पाठ का समय है रात्रि को 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान आपको ये पाठ करना है। रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उस दौरान आप पाठ करते करते संपुट कौन सा लगाना है वो सुन लीजिए, संपुट लिख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता संपुट है, जैसे कि आपने जो 60 दो प्रारंभ किए उसके दौरान आपने कहना है कि मंगल भवन अमंगल हारी दबु सह दशरथ आजर बिहारी दीन दयाल विरद सम भारी हरुनाथ प्रभु मुझ पर घोर संकट भारी। हे दिनों के नाथ, हर प्रकार के संकट को आप भरते हो। हे प्रभु मुझ पर घोर संकट भारी है, मेरे व्यापार पर संकट है, मेरे संतान पर संकट है, मेरे परिवार पर संकट है। हे प्रभु हे दीनानाथ मेरे सभी संकटों को हर लीजिए। जिस प्रकार से आपने पाठ किया और दीपावली का जो समय चल रहा हो, दिवाली आपको पता है क्यों मनाई जाती है? भगवान श्री राम जब अयोध्या में आ रहे थे उस समय जो आपको पता है कि भारद्वाज ऋषि के जो आश्रम में वो रुके थे, अगले दिन अमावस्या के अगली रात्रि चंद्रमा था, तब वो जाकर क्या हुआ, वहाँ पर हनुमान जी को आदेश दिया था कि जाके अयोध्या में भरत जी को कहिए कि मेरे आने का संदेश दीजिए। तो इसलिए वहाँ जाकर और घर घर जो दीप के दान लगे थे, जो दीप का दान लगा था उस दान से जो अयोध्या थी ना वो प्रकाश में उत्पन्न हुई थी। तो उस दौरान अगर जो व्यक्ति इस प्रकार का पाठ कर रहा होता है, इस समय पर पाठ कर रहा होता है, उसके शौर्य में बल उत्पन्न होता है, उसका प्रकाश होता है, समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा होती है। संकल्प लेकर पाठ कीजिए। जब भी कभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो दिवाली से पहले देख रहे हो या दिवाली से आपने 3-4 दिन पहले आपके हाथ में वीडियो लगी है, तो आपने उस क्षण इस वीडियो को आपने हाथ से जाने नहीं देना है। वीडियो को आप जो है अपने इस सुंदरकांड के पाठ का प्रारंभ कर दीजिए और फिर देखना चमत्कार। आपके जीवन में करने वाला भी व्यक्ति और कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। भोग भोग किस चीज़ का लगाना है, हनुमान जी के पाठ में सबसे बड़ा और विशेष भोग होता है भाव।
जब आप अपने देवता के प्रति किसी भी प्रकार का भाव प्रकट करते हो तो भाव से ही शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके भाव से जब आप देवता के प्रति भाव प्रकट करोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके परिवार की प्रोटेक्शन होगी। जब पाठ करते हो तो जल का लोटा भरकर रखना, डेली जल के छींटे अपने घर के हर कमरे में हर जगह पर आपको वारने हैं। छींटे देते वक्त संपुट लगा कर देना है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सहदशरत अजर बिहारी दीन दयाल विरद सम भारी हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। तो ये मैंने वीडियो आपको बनाई है, दीपावली पर ये कार्य जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।